का घर सैदपुर में है, वहाँ से होटल तक 2 घंटे का सफ़र है, तो आने में बहुत मुश्किल होती है। तो सुबह के बाद मैं होटल पर जाता हूँ, काम करता हूँ, और शाम को जो टाइम बच जाता है मैं मास्टर यू के पास आता हूँ। तो मेरे अबू एक टैक्सी ड्राइवर हैं, घर का गुजर बसर इतना आसानी से नहीं होता। मैं यहाँ पे कमाता हूँ, 3,000 रुपया यहाँ से मिलता है, तो उससे फिर घर का गुजर बसर हो जाता है। तो मास्टर यूब ने, मैं पहली क्लास में था तो मुझे इन्हें लिया था, मोस्ट पढ़ाते हैं, तो आज मैं माशाल्लाह 9वीं क्लास में हूँ। तो मेरा दिल है कि मैं आगे पढ़ूँ। मेरे जैसे कुछ बच्चे और भी हैं जो इसी तरह काम करते हैं और यहाँ शाम को पढ़ने आते हैं। 1985 में मैंने ये काम शुरू किया था, 28 साल हो गए, और 28 साल में हजारों बच्चे मेरे पास से पढ़ के जा चुके हैं, कॉलेजों में हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, नौकरियों पर हैं, अपने कारोबार के अंदर हैं। इसी दौरान जमशेद, जिसका मैंने प्यार से नाम रखा हुआ मिठू, सुपरमार्केट में जा रहा था, एक बोरी उठाई हुई और अपना एक खोखे की तरफ जा रहा है। मैंने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कह जी मैं इस खोखे की तरफ जाता हूँ। मैं क्यों? तो मैं यहाँ काम करता हूँ, बर्तन धोता हूँ इस होटल पर। तो क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं पढ़ नहीं सका। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं आपको पढ़ाया करूँगा। उनसे मिला, उन्होंने इतराज़ किया कि नहीं भाई ये तो काम करता है, काम करेगा। मैंने कहा भाई आपका काम भी करेगा और ये पढ़ेगा भी। जो पैसे मिलते थे इसके वालदैन ले जाते थे, वालदैन भी बेचारे गरीब थे। तो मैंने उस दिन से इसको पढ़ाना शुरू किया। इसका जहन इतना अच्छा है, 1 साल के अंदर मैंने 2-2 क्लासेस कराई इसकी। 8वीं क्लास इसने पास कर ली है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये कल एक बड़ा आदमी बनेगा।